ये दोनों ही मामले यूपी के अलग अलग इलाके के हैं, लेकिन दोनों ही कांवड़ियों से जुड़े हैं। पहला कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले ढाबे को नाम बदल कर चलाने का और दूसरा कांवड़ियों को पीटने का। संयोग देखिए, दोनों ही मामलों में आरोप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर है। सवाल है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई और वजह। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों ही आरोपियों का नाम सुहेल अहमद और अदनान है। नगीना के रहने वाले इन दोनों ही लोगों ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस लौट रहे तीन कांवड़ियों को पीटा बिना किसी पर्सनल रंजिश के। अब अंजाम क्या है ये सामने है। मुजफ्फरनगर के खतौली में जिस जगह कांवड़ रखी थी वहां एक बदबूदार पॉलिथिन फेंके जाने का आरोप कांवड़ियों ने खास समुदाय के लोगों पर लगाया। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी में एक कांवड़ खंडित हो गई, आरोप ई रिक्शा चालक पर लगा जो कि दूसरे समुदाय का था। सवाल है कि क्या ये चिढ़ है या फिर योगी सरकार के फैसले का विरोध या कांवड़ियों के साथ किसी बड़ी साजिश का अंदेशा, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम कांवड़ यात्रा पर सुनाए गए फैसले को लेकर सबके सुर एक हैं और टारगेट भी एक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहाने विपक्ष खास समुदाय की पैरवी करने लगा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जो उत्तर प्रदेश में जो ऑर्डर्स निकाले गए यात्रा के वक्त, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। विपक्ष की बेचैनी कितनी वाजिब है और दुकानदार योगी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं या फिर विरोध में, ये भी आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले उस सवाल का जवाब जिसके चलते प्रशासन को ये नियम लाना पड़ा। रामपुर में मौजूद इस ढाबे पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, यानी ऐसे टूरिस्ट के लिए इस ढाबे को बनाया गया है जिनकी आस्था भगवान शिव को लेकर बहुत ज्यादा है। मगर इस ढाबे को कौन चला रहा है ये भी सुन लीजिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुफरान सर। गुफरान जी, गुफरान, आपको पता होगा यूपी में कहा गया है कि भाई आपको नाम बताना पड़ेगा, आपके अंदर कौन कौन कर्मचारी करते हैं काम, ये बताना पड़ेगा। जी जी, पता है सर। मालूम है? यस यस। आप लोगों ने कुछ बनाया है? जी जी, बनाया है। क्या बनाया है? ये रहा सर, ये जो ढाबे मालिक हैं उनका सर ये सर्टिफिकेट वगैरह है, जो नाम वगैरह बोला था कांवड़िया की वजह से सर ये है। ये मेरे फादर है सर। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनस है। अनस जी जी। तो आप दुकान चलाते हैं? जी, मैं ही चलाता हूँ ढाबा, वैसे ये पापा के नाम कर पता सब कुछ। अच्छा। जी जी, मैं ही चलाता हूँ उसको। तो अब आप लोग इसको बाहर लगाएंगे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो? जी जी, ये भारी लगेगा सबको, किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। ढाबे का नाम कुछ और, उसके मालिक की पहचान कुछ और, यही है नाम बदल कर ढाबे को चलाने का असली खेल। और ये सिर्फ एक जगह या एक जिले तक सीमित नहीं है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले 80% से ज्यादा ढाबों का यही हाल है। एग्जाम्पल के तौर पर मुरादाबाद के इस ढाबे को देखिए, ये भी भगवान शिव के नाम पर है। ये एक शिवा टूरिस्ट ढाबा लिखा है, आप देख रहे होंगे, शिवा टूरिस्ट ढाबा, बाहर उसके ऊपर शिव जी की एक तस्वीर भी है और शिवा टूरिस्ट ढाबा सीधे सीधे तौर पर लिखा हुआ है। अभी हम जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं और जो यहाँ के ओनर हैं, उनसे बात करेंगे। जी जी भैया, क्या नाम है भैया आपका? नसीम नाम है। नसीम। कहानी इतनी भर नहीं है, इसके आगे की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। ढाबा मालिक ने कैमरे को देखा तो खाना पूर्ति के लिए अपना नाम बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। फाइल साहब की टीम पहुंची है तो उन्होंने अपना नाम बदलना शुरू कर दिया। देखिए, हमारी टीम के सामने ही ये नाम बदल ले रहे हैं। नाम हम अपना लिख रहे हैं, जो बताया शासन का आदेश आए हैं, बोले जो ओनर चला रहे हैं जिस नाम से वो अपना नाम लिखेगा, तो हम अपना नाम नजर लिख रहे हैं। तो क्या ये जो शिवा टूरिस्ट ढाबा, इस पर भी लिखा जाएगा कोई बैनर लगेगा? जो शिवा भगवान जी किसी के है नहीं, भगवान जी सबके हैं, क्या भगवान जी हमारे नहीं हो सकते? नहीं नहीं, हो सकते मेरा नहीं, जैसा शिवा टूरिस्ट ढाबा। आप सबको पता है जो पुरखे थे, सबके हिंदू थे, उनसे मुस्लिम परिवर्तन हुए हैं, क्या हम अपने पुरखों के पालन नहीं करेंगे क्या? नजर अली की नजरों में अल्लाह और भगवान एक हैं,
मगर ढाबे के नाम का झूठ छिपाने के लिए एक और बड़ा झूठ बोल गए। सुनिए नजर अली कैसे खुद का बचाव कर रहे हैं। मेरा नाम नजर अली है, मेरे पार्टनर अशोक चौधरी साहब हैं, हम दोनों के साथ चल रहा है, उन्हीं का फोटो लगा है। अच्छा, हाँ तो ये कहाँ है चौधरी साहब? गुरेटा के रहने वाले हैं। नहीं है कहाँ, मुलाकात होगी तो खत्म हो, इनकी वाइफ से बात हो जाएगी आपकी। नहीं, जब से आप ढाबा कब से चला रहे हैं? ये 10-12 साल से हमारे पार्टनर हैं, अभी भी उन्हीं के पार्टनरी में। कोविड से पहले 2019 में लगभग 3,30,00,000 शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर वापस लौटे। 2022 में आंकड़ा 3,80,00,000 रहा और 2023 में सारे आंकड़े पीछे छोड़ते हुए 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने गंगा जल भरा।